लास्ट क्लास में आपको परसेंटेज, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज मैंने पढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये भी कहा था कि परसेंटेज कम्स इन एवरी चैप्टर। मैंने कहा था एलजेब्रा के सारे मेजर चैप्टर्स को परसेंटेज कवर करता है, या उसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं हर एक चैप्टर में। कहा था आज एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करवाऊंगा तुम्हें एक क्लास में, बेसिक से एडवांस तक सब खत्म कर दूंगा, ठीक है? हाँ, बट यू शुड नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज, खासकर वो जो मैंने आपको पॉजिटिव अप्रोच समझाई थी। आज की क्लास में ये मत सोचना कि सर इनिशिएट करेंगे कुछ फॉर्मूलाज से, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज ही हैं, और मैं आपको फॉर्मूलाज करवा कर फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस कराऊंगा। नहीं, एक एक फॉर्मूले को आज इस क्लास में ड्राइव करेंगे, उसको लॉजिकली समझेंगे ऐसा क्यों होता है, और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। मतलब अगर आज की क्लास आपने अच्छे से देख ली, तो मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास के बाद आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को दोबारा देखना पड़ेगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड बाय द कंडीशन आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स परसेंटेज के क्लियर होने चाहिए, ठीक है? वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग RIMC RMS सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, और हमारे पास लाइव, ऑफलाइन या रिकॉर्डेड कोर्स का प्लेटफॉर्म रहता है। तो जो इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, अगर उनको लाइव कोर्स चाहिए, ऑफलाइन चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। ओके, देखिए सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको वो पॉजिटिव अप्रोच, याद है सभी को द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज? मैंने कहा था कि आज से याद रखना, ये हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम करता है। मैंने कहा था आज से याद रखना कि अगर अगर कोई चीज 20% बढ़ रही हो मोर, अब क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेक्स्ट में ही पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर 20% प्रॉफिट लिखूँ, 20% प्रॉफिट को मैं 20% मोर भी बोल सकता हूँ, 20% इंक्रीमेंट भी बोल सकता हूँ, 20% एफिशियंट भी बोल सकता हूँ, ये सारी एक ही भाषा है। ओके, सबका पॉजिटिव अप्रोच में मतलब यही है कि 20% प्रॉफिट का मतलब है आप उसका 120% कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली 100 का 120% निकालोगे, इट्स इट्स गोइंग टू बी 120 ओनली, ठीक है? तो आपको जब 100 से 120 मिल जा रहे हैं, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो कहेंगे आप। कोई चीज़ 100 की है, अगर आप उसे 120 में बेचेंगे, तो इसी तरीके से वो टर्म्स हम अभी देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। इसी तरीके से अगर मैं 20% लॉस बोलूंगा आपसे, ठीक है, इसको मैं 20% लेस भी बोल सकता हूँ, 20% डिक्रीज भी बोल सकता हूँ, ठीक है? तो 20% लॉस को मैं क्या बोलूंगा, 80%। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिस्काउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसके बाद डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप डिस्काउंट डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं एनकाउंटर करते हैं। ओके, कहीं भी जाते हैं डिस्काउंट सबसे पहले मांगते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए। ओके, तो डिस्काउंट है क्या उसको भी समझेंगे अच्छे से, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि अगर मैं 20% डिस्काउंट भी लिखूं यहाँ पर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि डिस्काउंट का मतलब क्या लगता है आपको? डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, कम होगा ना। डिस्काउंट के बाद आप प्राइस कम चाहते हो ना। अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की, तो डिस्काउंट के बाद 120 हो जाएगी क्या? नहीं, वो डिस्काउंट तो नहीं ना। हाँ, डिस्काउंट के बाद कम होगी, चाहे 80 हो 70 हो। तो जो डिस्काउंट का नेचर है, उसका भी नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग नेचर है, जैसे लॉस का नेचर है डिक्रीजिंग नेचर। तो लॉस और डिस्काउंट में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बिकॉज द नेचर इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई 20% डिस्काउंट को भी आप 80% की तरह ही कंसिडर करेंगे। तो मैंने अभी सिर्फ आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के टर्म्स में पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज बताया है। तो याद रखना कि अगर कहीं पर भी 20% प्रॉफिट होगा, तो उसको मैं डायरेक्टली 120% बोलूंगा, 30% प्रॉफिट को 130% बोलूंगा, 30% लॉस को 70% बोलूंगा, ठीक है? ये पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। आज सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेक्स्ट में मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई दुख दर्द? हाँ, कोई दर्दनाक बात तो नहीं हुई? हाँ, ओके। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये पॉजिटिव अप्रोच आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ मैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले, लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा प्रॉफिट चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, ठीक है, चाहे वो हमें किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, हमें बेनिफिट मिले। ओके, ठीक
ठीक है, वी ऑलवेज गो फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि हमें कुछ ज़्यादा मिले तभी तो प्रॉफिट होता है। अगर हम ज़्यादा कहीं से सीखेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितना पैसा हमने लगाया उससे ज़्यादा मिलेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके अगर आप इस अकेडमी में पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आप यहाँ से अच्छा अकेडमिक सीख के जाएंगे। ओके जब आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे, जब आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको बेनिफिट हुआ, ये कह सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं शॉपकीपर के कंटेक्स्ट में बात करूँगा कि अगर हम कोई भी शॉपकीपर किसी चीज़ को ख़रीदता है और उसको बेचता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट होता होगा, नहीं होता होगा? जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी शॉप्स आप देखते हो, चाहे वो स्टेशनरी की शॉप हो, चाहे वो कोई डेयरी शॉप हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, क्या लगता है आपको उन सभी को प्रॉफिट हो रहा है या बेचारे लॉस हो रहा है? उनको प्रॉफिट हो रहा है तभी चल रहे हैं, तभी चल रहे हैं। अच्छा कभी कभी लॉस भी होता होगा, होता होगा कभी कभी लॉस, तो हमें लॉस भी पढ़ना है। इसका मतलब शॉपकीपर के कंटेक्स्ट में या शॉप्स के कंटेक्स्ट में हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई चीज़ को हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं तो दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी शॉप में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, या किसी भी शॉप में जाएंगे तो हम या क्या क्या करेंगे, कोई चीज़ परचेज तो करेंगे, खरीदेंगे तो, और वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो दो दो यहाँ पर बड़े अच्छे टर्म्स आए हैं जो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, खरीदना और बेचना, यही तो होता है, यही तो होता है। कोई भी शॉपकीपर है क्या वो अपना अपने अपने चॉकलेट्स खुद बना रहा? नहीं, वो कहीं से खरीद रहा है, शॉपकीपर भी कहीं से चॉकलेट्स खरीद रहा है और फिर वो हमें बेच रहा है या आपको बेच रहा है, ठीक है। तो मैं अगर कोई शॉपकीपर हूँ तो मैं भी कहीं से कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ, ओके, तो मैं भी कहीं से कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ, ओके, और फिर वही चीज़ आपको बेच रहा हूँ, ठीक है। इफ़ आई एम अ शॉपकीपर आई एम ऑल्सो परचेजिंग समथिंग एंड देन आई एम सेलिंग इट, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है एज फार एज द शॉप्स या कोई भी शॉपकीपर इज कंसर्न। पहला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इफ़ आई एम अ शॉपकीपर, ठीक है, मेरी दुकान में आपको जितने भी कॉमोडिटीज़ आइटम्स चीज़ें दिख रही हैं वो सारी मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है क्या? नहीं, मैंने भी कहीं से खरीदी होंगी, ठीक है। तो मैं जो खरीदता हूँ या वो जो खरीदने वाला प्राइस है मेरा, उसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलता हूँ। और ये खरीदने वाला प्राइस हम जैसे कंज्यूमर्स को नहीं मालूम होता, ठीक है। अगर हमें मालूम होगा तो हम तो दुकानदार की गर्दन पकड़ लेंगे। जो चॉकलेट मैं 10 रुपये की दुकानदार से ले रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि यार वो तो 2 रुपये की है, दुकानदार उसे 2 रुपये में परचेस करता है, तो मैं तो गर्दन पकड़ लूँगा दुकानदार की। इतने सालों से यार मैं 10 रुपये की डेरी मिल्क खा रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला वो तो 7 रुपये में मिलती है दुकानदार को, ओके। तो दुकानदार को कितने की मिलती है उस प्राइस के बारे में हमें मालूम नहीं होता, खासकर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको नहीं मालूम होता, ओके। अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। सो दिस कॉस्ट प्राइस इज सम हाउ अननोन टू अस इन टर्म्स ऑफ शॉपकीपर, मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ शॉपकीपर को पता होगा। दूसरी चीज़ क्या है, इन जनरल लिखूंगा, हम भी तो शॉपकीपर से उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं क्या हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, शॉपकीपर ने सपोज किसी होलसेल मार्केट से कोई चीज़ खरीदी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई कंज्यूमर है, सपोज मीरा एक कंज्यूमर है, मीरा भी तो क्या कर रही है, मुझसे खरीद रही है, तो मैं भी खरीद रहा हूँ, मीरा भी खरीद रही है ना, दोनों के दोनों। तो इस खरीदने वाले प्राइस को और वो जो खरीद है, वो जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो दोनों के केस में अलग अलग होगी। सपोज मैंने 7 रुपये का खरीदा, मीरा ने मुझसे 10 रुपये का खरीदा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितनी है, 7 रुपये, कॉस्ट प्राइस मीरा के लिए कितनी है? इसका मतलब इन जनरल कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस में कोई भी किसी भी आर्टिकल को खरीदता है। ज़रूरी नहीं है कि वो शॉपकीपर ही हो, मैं शॉपकीपर हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं खरीदूंगा तभी हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मीरा ने भी खरीदा या जिज्ञासा ने भी खरीदा या किसी भी बच्चे ने यहाँ पर खरीदा, उस खरीदने वाली प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस ही बोलेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस किसी शॉपकीपर स्पेसिफिक नहीं है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें किसी भी आर्टिकल को खरीदा जाता है, चाहे वो कोई भी खरीदे, ओके। तो एक डेफिनेशन क्या निकलती है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस क्या है, अ प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें किसी भी आर्टिकल को खरीदा जाता है, इट इज नॉट एनी शॉपकीपर स्पेसिफिक। ये ऐसा नहीं कि शॉपकीपर की प्राइस को ही हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, नहीं, कॉस्ट प्राइस जो शॉपकीपर खरीदेगा उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, जो आप खरीदोगे आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सो
अ प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि कैसे ये कॉस्ट प्राइस किसी के लिए कॉस्ट प्राइस है, किसे कैसे किसी के लिए सेलिंग प्राइस है, उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक एक होलसेल की शॉप है, सपोज कोई होलसेलर है, ये यहां से इसने किसी शॉपकीपर को कोई आर्टिकल सेल किया और इस शॉपकीपर ने किसी कंज्यूमर को सेल किया। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये अगर एक बार क्लियर हो गया तो कभी भी लाइफ में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा होलसेलर है, इसने कोई आर्टिकल सेल किया, सेल किया मतलब बेचा, किसको बेचा, शॉपकीपर को। लेकिन शॉपकीपर के लिए मैं क्या कहूँगा, शॉपकीपर के कंटेक्स्ट में कि शॉपकीपर ने खरीदा, तो अगर इसने बेचा तो मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ सेलिंग प्राइस। अभी हम सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन भी लिखेंगे। सपोज वो सेलिंग प्राइस कितना था, 10 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब शॉपकीपर ने तो वो खरीदा, इसने बेचा, इसने खरीदा, तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपीज। अरे दुकानदार होलसेलर बेच रहा है, दुकानदार खरीद रहा है, एक ही प्राइस है भाई, मैं 10 रुपये में मीरा को कुछ बेचूंगा, ठीक है, तो मीरा खरीद रही है 10 में, मैं बेच रहा हूँ, मेरे लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस, मीरा के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो आप देख रहे हो ना, 10 रुपीज होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर के लिए इट्स अ कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर अब शॉपकीपर, ध्यान से देखना, अगर अब शॉपकीपर इसको 15 रुपीज में बेच देगा, किसको, किसी भी कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर ने खरीदा उसे, तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, लेकिन शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है, गेटिंग द पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है वो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस है। मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए दैट हाउ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहां पर शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस है, ओके okay? और यहां पर जो सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए था वो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसको हम लोग करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तीन लोग हैं, विजय, सुमित, ऐसे नाम है अलग अलग, अभिषेक, एक ने एक को बेचा, एक ने एक को बेचा, शुरू का पूछ लेगा कि इसको कितने का पड़ा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस है वही शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है, जो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है वो इस होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है। ये समझ में आ रहा है, तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, और ये रिलेशन बड़ा प्रैक्टिकल रिलेशन है, इसको अगर आप बड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है किसकी, सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें आप किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हो, खरीदते हो, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसमें आप किसी भी आर्टिकल को बेचते हो। जरूरी नहीं है कि वो होलसेलर हो वो बेचेगा तभी मैं सेलिंग प्राइस बोलूंगा, वो शॉपकीपर भी हो सकता है, वो कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी तो बेच सकता है। हम कार खरीदते हैं, ठीक है, और जब वो कार पुरानी हो जाती है तो उसको बेच देते हैं, जिसको हम सेकेंड हैंड कार बोलते हैं, तो हम भी तो बेच ही रहे नहीं, कभी हमने कोई घर बनाया, कभी हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची, तो हम भी तो कहीं ना कहीं लेन देन कर ही रहे, ओके। सो बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ आप लोग ले, और यहाँ पर मैं आपको सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन भी बता देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसमें आप किसी भी आर्टिकल को बेचते हो, एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिसमें आप किसी भी आर्टिकल को बेचोगे। अगेन दिस सेलिंग प्राइस इज नॉट एनी शॉपकीपर स्पेसिफिक, कोई भी बेचेगा तो उसको हम सेलिंग प्राइस ही कहेंगे, ठीक है, ओके। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ही प्राइस 15 रुपीज कैन बी SP जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है उसके लिए वो CP। अंडरस्टूड, दिस मच इज क्लियर, क्या ये दो टर्म्स क्लियर है। अच्छा, आज के बाद हम कॉस्ट प्राइस को इन शॉर्ट बोलेंगे CP और सेलिंग प्राइस को इन शॉर्ट बोलेंगे हम SP, ओके ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए आपको, द फर्स्ट फंडा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना,
अब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कहीं ना कहीं जो आपके लिए सेलिंग प्राइस है वो किसी के लिए कॉस्ट प्राइस हो सकती है, जो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है वो किसी के लिए सेलिंग प्राइस हो सकती है, दैट व्हाट यू हैव सीन। अब आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है, ध्यान से देखना इस एसपी और सीपी में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे लस्सी बहुत पसंद है इसलिए बार बार लस्सी का एग्जांपल देता हूँ मैं बच्चों को, ठीक है। सपोज ये एक लस्सी है, एक ग्लास लस्सी, ठीक है। सपोज मेरी कोई लस्सी की शॉप है, तो लस्सी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कर्ड चाहिए, मुझे थोड़ा सा मिल्क चाहिए, मुझे थोड़ी सी क्रीम चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, सबके मिक्सचर से मैंने क्या बना दी, मैंने लस्सी बना दी। सपोज लस्सी बनाने में जो मेरा खर्चा आया है वो सपोज कितना आया, 30 रुपीज, कितना आया 30 रुपीज। सपोज मैं शॉपकीपर के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैंने क्या बनाई, लस्सी बनाई, और लस्सी में जो मेरी कॉस्टिंग आई, जो मेरा खर्चा आया वो कितना है, 30 रुपीज का आया, तो मेरे लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्या ये कंज्यूमर को मालूम होगा 30? नहीं, उसको मालूम होगा, कहेगा सर 30 की लस्सी है। फिर अभी अभी देखते हैं कि हम बेचेंगे कितने में। सपोज मैंने बोला कि इसको हम बेचेंगे सपोज 50 रुपीज़ में, ठीक है। मैंने 30 रुपीज़ की लस्सी बनाई और मुझे लगा कि मुझे इसको बेचना चाहिए 50 में, ताकि मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। अच्छा, नज़र आ रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज़ का। CPSP से ही तो ये प्रॉफिट या लॉस ये जो टर्म है रिलेटेड है, ठीक है। आप साफ देख सकते हो यहाँ पर कि कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ SP इज़ हायर देन द वैल्यू ऑफ CP, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि आप बेच ज़्यादा में रहे हो, आपकी जो 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 कॉस्टिंग आई है, खरीद बोल सकते हो आप, वो 30 रुपीज़ है और आप उसको बेच 50 में रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। मैं अभी आई विल नॉट गो फॉर द फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज अपने आप निकलेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो ये 20 रुपीज़ कैसे आया? आपने 30 माइनस 50 करा होगा या 50 माइनस 30 करा होगा? 50। देखिए, आपने क्या करा, आपने करा 50 में से 30 सर माइनस कर दो ना, तभी तो पता चलेगा कितने का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसी में वैल्यूज पुट करूँ, या वैल्यूज, या मैं देखूँ कि 50 क्या है, 50 क्या है SP, तो अगर मैं यहाँ पर SP लिखूँ माइनस 30 क्या है CP, तो ऑटोमेटिकली आई हैव गॉट अ फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। क्या हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, क्या वी नीड दिस फॉर्मूला? अरे, वी नो द लॉजिक यार। चलिए, एग्जाम में दिखाने के लिए, अगर सब्जेक्टिव पेपर है, आपने दिखाने के लिए लिख दिया प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ब्रैकेट में बंद कर दिया। लेकिन क्या ये हमें जानने की जरूरत है? नहीं, हमें मालूम है यार, हम तो देख के पहचान लेंगे भाई, 30 रुपये की चीज़ हम 50 में बेच रहे हैं यार, प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, इतना तो कोई गधा भी बता देगा, इतने तो यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी बता देंगे कि यार 30 की चीज़ 50 में जा रही है तो उसको प्रॉफिट ही तो होगा। नहीं, आप भी समझ जाओगे, अगर 30 रुपीज़ का पेन हम आपको 50 में बेच दें, आप बोलोगे यार अच्छा, आप समझ जाओगे कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि हम जब लस्सी खरीदते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई, वो कितनी की, तो हम पी लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए ना, तब भी पी तो लेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो लेकिन समझ जाएंगे कि यार दुकानदार का कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। दैट विल कम टू नो, और हमें मालूम भी रहता है अंदर से कि यार कहीं ना कहीं शॉपकीपर यार बैठा ही प्रॉफिट के लिए, उसको भी तो अपनी दुकान चलानी है, उसको भी तो वहाँ का रेंट देना है, उसके भी तो अपने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। लस्सी बना रहा है तो दूध आएगा, ठीक है, दूध आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे और भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, नहीं, फिर मैन पावर है, दूध लाना, उसको बॉईल करना, उसके पीछे बहुत सारा मैन पावर छुपा हुआ है कहीं, उनको भी सैलरी देनी है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि 30 की चीज़ 50 में क्यों बेच रहा है, ठीक है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए 30 की 50 में तब इसलिए बेच रहा है ताकि उससे वो अपना रेंट दे सके, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके, तो ठीक चीज़ है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। ऑटोमेटली वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट, और हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट तभी होगा जब SP की वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन CP। जब बेचने वाला प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी तो प्रॉफिट होगा, नज़र आ रहा है। 50 इज मोर देन 30, 50 इज SP, 30 इज CP, व्हेन 50 इज मोर देन ओनली प्रॉफिट विल हैपन। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इसी लस्सी को वैसा ऐसा तो हो नहीं सकता किसी भी केस में, लेकिन क्योंकि हमें लॉस का भी केस पढ़ना है, सपोज कभी कभी क्या पता कुछ शॉपकीपर ऐसा करते हो कि लस्सी उन्होंने बनाई कितने की, 30 रुपीज़ की। अब लस्सी की अपनी एक शेल्फ लाइफ है, नहीं, लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन फ्रीजर में रहेगी, 2 दिन फ्रीजर में रहेगी, उसके बाद तो ख़राब होगी। सपोज लस्सी नहीं सेल हुई, नहीं बिकी, तो उसने क्या करा, यार एक काम करता हूँ मैं ना 30 रुपीज़ की लस्सी को
20 रुपीज़ में बेच देता हूँ। तो कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो सस्ता देखकर ले लेते हैं, नहीं चाहे एक्सपायरी हो गई हो उसकी, लेकिन वो खा लेंगे, नहीं? ओके, तो यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्या करा कि उसने 30 की लस्सी बनाई, लेकिन उसने बेची कितने में? 20 रुपीज़ में। तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा? 30 रुपीज़ उसका खर्चा आया है, लेकिन वो बेच उसको और सस्ते में रहा है, तो उसको लॉस हुआ होगा ना, ठीक है? लेकिन उसने अपना पूरा 30 रुपीज़ का लॉस बचा लिया, लॉस को थोड़ा सा उसने कम कर दिया। मतलब 30 की चीज़ 20 में बेची है, अगर बिकती नहीं तो उसको सारा फेंकना पड़ता, नहीं? ओके, हाँ, लेकिन लॉस तो हो ही रहा है। आपने कहा सर लॉस हो रहा है, कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है? 10 रुपीज़। डोंट से 10% बेटा, 10 रुपीज़। तो ये कैसा आया? 30 माइनस 20, ये 30 माइनस 20, तब आया लॉस 10। अच्छा, 30 क्या है? 30 CP, और ये 20 क्या है? तो ऑटोमेटिकली बेटा, यू डोंट हैव टू मग अप दिस फॉर्मूला, ये रटने की जरूरत नहीं है। लॉस तब होगा जब CP की वैल्यू ज़्यादा होगी, किससे? SP से, तभी लॉस होगा। जब कॉस्टिंग ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, बेचने वाला प्राइस कम है, तभी तो लॉस होगा। CP जब भी ज़्यादा, और वैसे भी जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, तो सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े से छोटी वैल्यू को ही करेंगे। तो जब SP बढ़ा है तो SP माइनस CP, जब CP बढ़ा है तो CP माइनस SP, ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए एट द एंड ऑफ द डे। ओके, प्रॉफिट नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, ये लॉस नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। लॉस हुआ मुझे 50 रुपीज़, कभी हम ऐसा कहते हैं -50 का लॉस हो गया? ओके, तो पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, सो ऑटोमेटिकली दो फॉर्मूलाज आ गए, आप बुक्स में देखोगे विल डायरेक्टली गेट दिस फॉर्मूलाज। अच्छा, फिर मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज़ और पढ़ाया था, अगर आपने इतना कर लिया है, फिर मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज इज नथिंग बट बेटा, परसेंटेज इज सम फ्रैक्शन। सम फ्रैक्शन का मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग को इनटू 100 कर दो, तो आपको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आपके लिए पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज फिर से मैं आपको, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ लस्सी ओनली। सपोज ये लस्सी है जो शॉपकीपर ने कितने की बेची है? 50 रुपीज़ की। ओके, आपसे पूछना चाहूँगा मैं सवाल, लस्सी शॉपकीपर ने कितने की बेची है? 50 रुपीज़ की। तो शॉपकीपर को लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा? लस्सी 50 में बेची उसने, जहाँ हम लोग लस्सी पीने जाते हैं वहाँ 50 की लस्सी मिलती है, तो अंकल को, उन लस्सी वाले अंकल को प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, बताओ? प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये तो बड़ी प्रैक्टिकल हो रही है, ये मैथमेटिकली नहीं दिख रही। कोई आंसर करना चाहेगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत समझदारी आपने दिखाई बेटा। सर कॉस्ट प्राइस तो दिया ही नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं आपको, ये आपके अंकल की थोड़ा दुकान है, ये आपके अंकल की दुकान नहीं बेटा। वी आर डूइंग मैथ्स, और मैथ्स में 50 की लस्सी बेच रहा है वो, हमें नहीं पता। क्या पता अगर लस्सी 100 रुपये की बनाई हो उसने और 50 की बेच रहा है, तो हम कहेंगे लॉस हो गया। क्या पता लस्सी 10 रुपये की बनाई हो और 50 की बेच रहा है, तो प्रॉफिट, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम कह नहीं सकते जब तक हमें CP ना मालूम हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिना CP के वी के नॉट कॉमेंट ऑन प्रॉफिट और लॉस। बिना CP के हम बोल ही नहीं सकते कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, हमें CP का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सपोज अगर मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, सपोज ये बॉटल हर्षवर्धन को बहुत पसंद आ गई, अब मुझे नहीं पता है मैंने कितने की परचेज करी होगी, मैंने बोला ले यार, एंड ही पेड मी 100 रुपीज़, सपोज मैंने कहा ले ले। अब आप बोलोगे सर आपको प्रॉफिट हुआ, आपने उसको 100 का दिया, प्रॉफिट हुआ होगा, आपको लॉस हुआ होगा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम यार, मुझे ये नहीं मालूम मैंने कितने का परचेज किया। व्हेन आई एम नॉट अवेयर ऑफ द CP ऑफ दिस आर्टिकल, हाउ कैन आई से कि मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? अच्छा, अगर मुझे पता चल जाए कि ये तो मैंने 2000 की ली थी, अरे सर 2000 की आपने 100 में दे दी, आपको तो बहुत लॉस हो गया। ये लॉस कब पता चला? जब हमें इसकी कॉस्टिंग या कॉस्ट प्राइस पता चली, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वी कैन नॉट कमेंट, एज अ नोट मैं लिख रहा हूँ, नोट में क्या लिख रहा हूँ, मैं नोट में लिख रहा हूँ दैट CP इज वेरी इंपॉर्टेंट, CP इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, इन ऑर्डर टू कॉमेंट ऑन प्रॉफिट और लॉस। ओके, CP बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिना CP के आप बता नहीं सकते। विदाउट CP यू कैन नॉट कॉमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, सो CP इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कॉमेंट ऑन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि भैया जहाँ पर भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट हो, CP ज़रूर आएगा, CP ज़रूर आएगा। ओके, क्योंकि CP के बिना कोई कहानी चल ही नहीं सकती हमारी, CP बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पर दो और फॉर्मूलाज हम लोग लॉजिकली लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। एक तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला ले आऊँ। अच्छा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केसेस में एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है CP।
ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात करूं कि अगर मैं सपोज इफ यू हैव गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, ठीक है, तो क्या आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं? तो आप किस चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हैं? अपने मार्क्स का, कि आपके 30 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, आप इसको इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट 60% मार्क्स। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने न्यूमरेटर में क्या लिखा, वही लिखा जिसका आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या है ये? ये है मार्क्स। किस में है ये मार्क्स? सपोज ये आपके मैथ्स में ये मार्क्स आए हैं, तो मैथ्स के मार्क्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप मैथ्स की मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हम जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे उसकी वैल्यू ज़रूर लिखेंगे। ये वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू विच यू हैव गॉट, ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर, अब देखो मैं फॉर्मूला लिखूँ, ध्यान से देखना, आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। इफ़ आई राइट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अब देखो बेटा परसेंट निकाल रहे हैं, आपको पता है परसेंटेज इज नथिंग बट सम फ्रैक्शन, समथिंग अपॉन समथिंग इनटू 100 आई हैव टू डू। तो प्रॉफिट परसेंट मैं निकालूंगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई? जिस चीज का परसेंटेज निकाल रहा हूं वो उसकी वैल्यू लिखना जरूरी है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन समथिंग, अपॉन कुछ आएगा, अपॉन क्या आएगा? कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, अपॉन कुछ आएगा भी बाद में लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है सपोज, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन, अगेन अपॉन में क्या आने वाला है? वही कुछ इंपॉर्टेंट, और इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमने देखा था, चाहे प्रॉफिट का केस हो चाहे लॉस का केस हो, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पार्ट? सीपी। बिना सीपी के हम कॉमन, क्योंकि सीपी से ही समझ में आता ना, तो आउट ऑफ सीपी ओनली वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, आउट ऑफ सीपी ओनली वी आर कैलकुलेटिंग लॉस हो रहा है, इसलिए अपॉन सीपी, इसलिए, ठीक है। आप बुक्स खोलना, यू विल फाइंड ऑल दिस फॉर्मूलाज इन अ सिंगल पेज एंड डायरेक्टली फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम लॉजिकली पढ़ रहे हैं, सो यू हैव गॉट टू मोर फॉर्मूलाज, एक तो है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, फ्रैक्शन यू हैव गॉट इनटू 100 करा परसेंटेज, क्योंकि यू वांट इट इन परसेंटेज। इन द सेम वे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सिंपल इजी, ओके। सो वी हैव गॉट टू मोर फॉर्मूलाज हियर, ओके। तो हमारे टोटल 4 फॉर्मूलाज हो गए, एक तो हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एसपी माइनस सीपी, यार एसपी बड़ा होता है। अच्छा लॉस, सीपी माइनस एसपी क्योंकि सीपी बड़ा होता है। अच्छा प्रॉफिट लॉस आ गया तो उनका परसेंटेज भी देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। लॉस परसेंट, अच्छा लॉस का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। हाँ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरे पास प्रॉफिट होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, तभी मैं निकाल सकता हूँ, ओके। और आपस में रिलेटेड भी है तब भी मैं निकालूंगा, ओके। अगर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एक्स है और सीपी भी इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो वो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, वो भी हम देखेंगे, ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देर आर टू मोर फॉर्मूलाज, और वो जैसे ही 2 फॉर्मूलाज जाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की धज्जियाँ उड़ा देंगे हम लोग, एंड देन यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चंस। आप कोई से भी बुक पकड़ लो, किसी भी लेवल की बुक पकड़ लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर, ओके, ठीक है। अब आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें तो पहले पढ़ ली हैं कि सी पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट व्हाट यू हैव सीन। अब हम देखते हैं कि हम ना सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं किसी आर्टिकल का ना। अब आप देखते होंगे कि होता क्या है, सपोज मुझे कोई कार मैन्युफैक्चर करनी है, सपोज मुझे लस्सी बनानी है, सपोज हम एक लस्सी का बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो और हम चाहते हैं कि विल मेक द बेस्ट लस्सी, विल मेक द बेस्ट लस्सी इन द वर्ल्ड, हमें दुनिया की बेस्ट लस्सी बनानी है, तभी हम लोग चल पाएंगे, तभी हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर पाएगा, ओके। तो हमने कहा ठीक है, हमने रिसर्च करी, हमने कहा सर लस्सी में ना हम अलग अलग फ्लेवर्स भी लाएंगे, सपोज ये लस्सी का ग्लास भी बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा कि लस्सी में हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करी, कर्ड की प्योर जो उसकी प्योरिटी है उसमें भी हमने काम किया, उसमें हम लोगों ने प्योर मिल्क ऐड किया, उसमें हमने अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स डाले, और भी बहुत सारी चीज़ें, गुलाब जल, केवड़ा, पता नहीं क्या क्या वो ऐड करते हैं, सब ऐड किया हमने। और सब ऐड करने के बाद हमें पता चला कि हमारी लस्सी की जो कॉस्टिंग आ रही है बनाने की वो 80 रुपीज़ आ रही है, जो पैसा हमारा लगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी चीज़ की सेलिंग प्राइस कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये लस्सी कितने में बिकनी चाहिए,
हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस लस्सी, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं उसकी कॉस्टिंग से ही, क्योंकि जब हमें कॉस्टिंग समझ में आ गई, अच्छा 80 रुपये हमारे लग रहे हैं इस लस्सी को बनाने में, एक काम करते हैं चलो इसको ना हम बेचते हैं 150 रुपीज में, क्योंकि इतनी बेहतरीन लस्सी बना रहे हैं, 80 रुपये हमारी कॉस्टिंग है, 150 में बेचते हैं। ये 150 कैसे आया, जब हमें सीपी मालूम था, ठीक है। अच्छा हमने सपोज एक पेन बनाया, सपोज इस तरीके से एक एक पेन बनाया सपोज, और हमें नहीं पता पेन कितने का बना, तो कितने का बेचें, फिर तो आप कुछ भी बोल दोगे और हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बोल रहा है 20 रुपये, क्या पता है ये पेन में पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, हमने कार्बन फाइबर यूज़ करा हुआ, क्या पता बहुत महंगा हो, ये कह रहा है 20 रुपये, ठीक है, तो कुछ भी बोल दोगे आप। व्हेन यू डोंट नो द कॉस्टिंग हाउ यू कैन गो फॉर द सेलिंग। अच्छा मुझसे कोई पूछेगा सर ये बॉटल ना मुझे बहुत पसंद आ गई है, मुझे बेच दो सर, मैं खरीदना चाहूँगा, मैं कैसे बेच दूँ, मुझे पता ही नहीं है बॉटल मुझे कितने की पड़ी, आई डोंट नो इट्स कॉस्ट, मुझे कॉस्ट नहीं पता, तो मैं फिर बोलूँगा ले ले यार, तो ले फ्री में ले ले यार, नहीं बिकॉज आई डोंट नो द कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल। हाँ मुझे पता है कॉस्ट, अच्छा इसकी 2000 है, तो मैं कहूँगा चल यार ठीक है यार 2500 दे दे, ठीक है यार 1500 दे दे, ठीक है यार 1000 दे दे। तो ये जो सेलिंग प्राइस मैं डिसाइड कर रहा हूँ ये मैं सीपी को देखते हुए कर रहा हूँ, तो सीपी की मदद से ही कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस निकलता है। क्या ये बात आपको समझ में आई, सेलिंग प्राइस तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें कॉस्ट प्राइस के बारे में मालूम हो, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। यार सपोज मेरी कार है, ठीक है, मेरी कार कोई परचेज करना चाहता है, अब मुझे ये नहीं मालूम मैंने वो कार कितने की खरीदी, तो मैं कैसे बता दूंगा उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अंडरस्टूड। तो बेटा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भी यू शुड नो सीपी फर्स्ट, तो सेलिंग प्राइस निकलता सीपी से ही है। सेलिंग प्राइस कहां से निकलता है, सीपी से, तो मैं सेलिंग प्राइस सीपी से निकलता है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि सेलिंग प्राइस इज द फंक्शन ऑफ सीपी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सीपी। सेलिंग प्राइस इज द फंक्शन ऑफ सीपी, सेलिंग प्राइस इज द फंक्शन ऑफ सीपी का मतलब क्या है, जब मैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखूंगा एसपी इज इक्वल टू सीपी ही करके कुछ आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसपी इज द फंक्शन ऑफ सीपी, ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, ये मैं इसका मतलब क्या है कि एसपी टोटली डिपेंड्स ऑन सीपी। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई, छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, क्या आपको ये बात समझ में आई, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि एसपी, व्हाई आई एम सेइंग एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, क्योंकि एसपी टोटली डिपेंड करता है सीपी पे, ठीक है, एसपी टोटली डिपेंड करता है सीपी पे। सीपी क्या चीज है, किसी आर्टिकल की, उस पर बेस्ड हम लोग उसकी एसपी रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी चीज ध्यान देना, सपोज ये एक पेन है, एक पेन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सपोज दिस इज अ पेन, ओके, अब देखो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, एसपी कैसे निकल रहा है। सपोज इस पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 रुपीज, ठीक है, या तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, वी हैव टू सी बोथ द केसेस, हमने दोनों केसेस में ध्यान देना पड़ेगा। या तो मैं क्या करूंगा, इस 10 रुपीज में 5 रुपीज ऐड करके एसपी की वैल्यू कर दूंगा 15, 5 रुपीज मैंने सीपी में ऐड किया ताकि मैं अपने एसपी बढ़ाऊं, ताकि मुझे प्रॉफिट हो। या तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मुझे लग रहा है कि पेन मेरे आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, अब ये पेन कोई खरीदने वाला नहीं है, ये पेन मेरे बिक नहीं रहे, ठीक है, नोबडी वॉन्ट्स टू परचेज दिस काइंड ऑफ पेन, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सस्ता बेचता हूँ, 10 रुपये के पेन में मैंने -5 करके सेलिंग प्राइस कितनी बना दी, 5 रुपीज। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट, कि जो सीपी है ना इसी में हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं तो एसपी आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम सीपी में कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी एसपी आ रहा है, ओके, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, दैट वी आर एडिंग समथिंग ऑन सीपी देन वी आर गेटिंग एसपी, और वी आर सब्ट्रैक्टिंग, हाँ, व्हेन वी आर एडिंग समथिंग ऑन सीपी तब हमें प्रॉफिट होगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें लॉस होगा, ओके, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिंपली ये समझाना चाहता हूँ कि एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी तो है, एसपी सीपी तो है, लेकिन एसपी आता क्या है, जब मैं सीपी में कुछ चीज ऐड करता हूँ तो एसपी आता है, या मैं सीपी में कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एसपी आता है, ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई कि व्हेन यू ऐड
समथिंग टू सीपी देन यू गेट एसपी, ओके। या आप ये बात समझते हो कि व्हेन यू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम सीपी देन यू गेट एसपी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? एसपी दो केसेस में आ सकता है, ओके जी। या तो मैं सीपी में कुछ चीज ऐड कर लूँ, सीपी में ऐड करूंगा तो इसका मतलब एसपी की वैल्यू बढ़ी आएगी और मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसे तो करते हैं हम यार। 80 रुपीज की लस्सी है तो मैंने 80 में ऐड कर दिया कुछ, 150 आ गई एसपी ताकि मुझे प्रॉफिट हो। यहां पर सीपी मेरा 10 है, मैंने इसमें -5 कर दिया तब मेरी एसपी आ गई 5 रुपीज, ठीक है। यहां मुझे लॉस हो रहा है बिकॉज वी हैव टू केसेस ओनली, प्रॉफिट या लॉस। और तीसरा केस एक ही हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उस केस में जितने की सीपी है उतने की एसपी है। 10 रुपए का मैंने खरीदा, 10 का ही बेच दिया, तो देयर विल बी अ केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, अंडरस्टूड। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह भी समझ में आ गया है, अब ध्यान से इसको समझना। बट वी हैव अंडरस्टूड कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे किसके साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन विथ सीपी कैन गिव यू एसपी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन विथ सीपी कैन गिव यू एसपी, इसका मतलब अगर मुझे एसपी का फॉर्मूला चाहिए तो मेरे दो फॉर्मूलेज निकल के आएंगे। ध्यान से देखना इसको, पहले समझ लो, देन यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। इसको ध्यान से समझ लो कि जब हम एडिशन करेंगे सीपी के साथ, जब हम एसपी इजिकल टू सीपी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सीपी में कुछ छेड़खानी करके ही तो एसपी आ रहा है। वो छेड़खानी क्या है? या तो हम सीपी से कुछ प्लस कर रहे हैं, सीपी में वी आर एडिंग समथिंग, या तो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एसपी इजिकल टू सीपी, या तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम सीपी। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ही तो एसपी की वैल्यू आ रही है। तो यार ऐड और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, जब मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू बढ़ रही है, जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं प्लस माइनस से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल गेट टू फॉर्मूलास, टू डिफरेंट फॉर्मूलास फॉर एसपी। मैं चाहता हूं एक ही फॉर्मूला है। सो व्हाट आई डू, एडिशन से वैल्यू बढ़ रही है, सब्ट्रैक्शन से वैल्यू घट रही है, तो क्या मैं कोई और ऑपरेटर यूज कर सकता हूं प्लस और माइनस के अलावा, जिससे वैल्यू बढ़े भी और घटे भी, एक ही ऑपरेटर हो ताकि मेरा एक ही फॉर्मूला बन जाए? वो है मल्टीप्लीकेशन। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं अपने फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं, देखिए एक एक फॉर्मूला आपके लिए ड्राइव कर रहा हूं, सारे लॉजिक्स आपको बता रहा हूं। अभी तक हमें इतना तो समझ में आ गया कि एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी है। अब सीपी में कुछ चीज बढ़ाना है या घटाना है, और उस बढ़ाने घटाने को हम किससे कर सकते हैं? या तो प्लस माइनस कर लो तो दो फॉर्मूले बन जाएंगे, या तो बढ़ाना घटाना आप किसी और चीज से करो, उसको कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर या मल्टीप्लीकेशन से। सर मल्टीप्लीकेशन से कैसे बढ़ा सकते हैं सर? ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी डन थ्रू मल्टीप्लीकेशन। कैसे सर, मुझे बताओ, मुझे नहीं आ रहा सर समझ में, मुझे एग्जाम्पल दो। देख लो सपोज 50 रुपीज है, कुछ भी हो सकता है, सीपी है सपोज है, देख लो पहले इसको, अगर मुझे बढ़ाना हो तो मैं 50 × 5 कर लूंगा और वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो गई 250। 50 से वैल्यू बढ़ गई, बढ़ रही है, मानते हो मल्टीप्लाई से बढ़ रही है। अच्छा सर मल्टीप्लाई से कम कैसे होगी? अच्छा ऐसे होगी, देखो 50 है, 50 से मैंने अगर 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जाएगा 10, तो वैल्यू डिक्रीज हो गई। यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब आप ये बात मान गए हो कि मल्टीप्लाई करके वैल्यू को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगर आप किसी भी नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर बड़ा होगा, अगर आप किसी नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो छोटा होगा। सो दैट व्हाट वी हैव सीन, इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी कैन डू इट बाय मल्टीप्लीकेशन। बस इसके अलावा यू शुड नो वन मोर अप्रोच एंड दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। वो मैं ये बता चुका हूँ कि अगर 20% प्रॉफिट होगा तो मैं उसको कितना लिखूंगा, 120%। 20% लॉस होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 80%। अगर ये सारे फंडे क्लियर हैं तो आओ अब दो फार्मूलाज और ड्राइव करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की जर्नी में। ठीक है, अब ध्यान से देखना इन दोनों फार्मूलाज को।
आपको एग्जाम में क्या दिया होगा, सपोज ध्यान से देखना, यहां से हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, पहले वैल्यूज से करेंगे, जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस में देखा था वैल्यूज के साथ हमने जो भी कैलकुलेशंस करी थी वहां से हमने फॉर्मूला डिराइव किया, यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और जैसा मैं बोलूंगा उस चीज को प्लीज आप हमेशा फॉलो कीजिएगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे सपोज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको सीपी दिया है 100, ठीक है, और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है या और गेन परसेंट भी कहते हैं इसे, एक ही बात है, गेन परसेंट दिया है कितना, सपोज 20%, ओके, और आपसे पूछा है चलिए फाइंड एसपी पूछा है आपसे, ध्यान से देखना इस चीज को बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीपी इज गिवन टू यू, आपको प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट दिया है और आपसे पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसपी, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे देखो आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया था, आपने कहा था कि ये एसपी कहां से निकल के आता है, सीपी से, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे सर एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, इतना आपने कह दिया, उल्टा मत कर देना इसे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको एक ही फॉर्मूला है, कभी सीपी भी निकालने को आया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लेंगे, बट डोंट मग अप द फॉर्मूला वन डिफरेंट फॉर्मूला फॉर, जैसे हम करते हैं ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं कहता हूं बाकी फॉर्मूला मत मगअप करो, वहीं से निकल जाएंगे, यहीं से डिस्टेंस निकल जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यहीं से टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रटने की जरूरत नहीं है, यू शुड नो वन बेसिक फॉर्मूला बस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे आपको एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी तो चीजें वैल्यूज पुट करके उसको यहां वहां रिप्लेस करके चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया दैट एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, एसपी अगर हमें चाहिए तो सीपी से ही निकलेगा। अच्छा सीपी से कैसे निकलेगा, या तो हम सीपी में कुछ चीज ऐड करेंगे या तो सीपी में कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट व्हाट वी हैव सीन, भाई सीपी में कुछ चीज बढ़ा के या घटा के तो मेरा क्या आता है, एसपी आता है। अच्छा प्रॉफिट वाला तो बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट वाला केस तो बढ़ाना पड़ेगा, लॉस वाला केस होता तो घटाना पड़ता, लेकिन बढ़ाना घटाना तो हमें एक ही ऑपरेटर से करना है और वो है मल्टीप्लीकेशन, तो हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। अच्छा व्हाट इज द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज, पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज कहता है कि क्वेश्चन में दिया मुझे 20% प्रॉफिट, और 20% प्रॉफिट को मैं क्या लिखता हूं, डायरेक्टली क्या लिखता हूं, 120%, डायरेक्टली मैं लिखता हूं उसको 120%। अब ध्यान से देखना कि ये जो एसपी है ना, ये क्या एक वैल्यू है, एक फ्रैक्शन है, इट इज नॉट इन परसेंटेज, एसपी परसेंटेज में नहीं है, ये क्या है, वैल्यू है, एक फ्रैक्शन है, तो अगर ये वैल्यू है फ्रैक्शन है तो क्या 120% होना चाहिए, नहीं, हमें इस 120% को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 100, तो परसेंटेज का साइन अगर मैं यहां पर हटा दूं और डिवाइड बाय 100 कर दूं तो ऐसे मेरा एसपी आ जाएगा। तो यहां पर इफ आई पुट द वैल्यूज एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 इंटू 120 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल, एसपी की वैल्यू कितनी देगी 120, कितना सिंपल है। और यही से इसी लॉजिक से मेरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, इसी लॉजिक से मेरा फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, ध्यान से देखना, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो ये 120 कैसे आया होगा, मैंने आपको कहा था पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज में, यस यस आई हैव टोल्ड यू इन द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज, अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक देखा हो जरूर देखना, ऊपर आई बटन है ना ये आपको परसेंटेज का वीडियो दिखाएगा, ठीक है, तो परसेंटेज का वीडियो जरूर देखना, ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, परसेंटेज का वीडियो देख लो एक बार आप, आपको यहां पर मजा आ जाएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, SP इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, बढ़ाना घटाना मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। ये जो 120 है ना बेटा, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज में हम 100 से कंपेयर करते थे, हम कहते थे हर चीज अपने आप में 100% है, उसी तरीके से अगर आप 100 से कंपेयर करोगे तो 100 से कितना ज्यादा है, जितना आपको गेन परसेंट दिया है, तो क्या मैं इसको 100 प्लस गेन परसेंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं लिख सकता हूं, ये तो अब मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, हमारा तो आंसर बिना फॉर्मूले से आया है, हमने तो एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, 20% मोर का मतलब 120% एंड ऑल, तो ये तो फॉर्मेलिटी वाला अब काम कर रहा हूँ मैं, अब आपको यहां से फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ कि दिस इज द फॉर्मूला, दिस यू विल फाइंड इन द बुक्स अपॉन 100, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसपी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ गेन, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, ब्रैकेट में 100 प्लस जी, जी इज गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यहां से आपका ऐसे एसपी निकल के आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि लोग यहीं से एसपी से ही यहीं से सीपी का फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं, तो सीपी हो जाता है 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस जी, जिसको मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं करता, मैं बच्चों से बिल्कुल भी नहीं कहता कि इसको आप लिखो भी,
लेकिन यहां पर फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ यार बढ़िया नोट्स बन रहे हैं हमारे, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। सीपी भी निकालना होगा, हम यहीं पर वैल्यूज पुट करेंगे यार। एसपी आपको बस यही आना चाहिए, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, बस यही आना चाहिए आपको, ये नहीं आना चाहिए। यहीं पर वैल्यूज पुट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप सीपी भी निकाल सकते हो यार। इफ एसपी इज गिवन टू, एसपी की वैल्यू रखी, सीपी को सीपी की तरह रखा और सारी वैल्यूज पुट करके वी हैव सॉल्व, वी विल गेट सीपी। ओके, तो यहां से दो फॉर्मुलेज निकल के आए हैं जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वी नो द लॉजिक, बट ओनली फॉर फॉर्मेलिटीज वी आर लर्निंग दिस फॉर्मूलाज। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आपको फिर से सीपी की वैल्यू दी है 100 सपोज, और यहाँ पर लॉस परसेंट दिया है कितना 20%, और आपसे फिर पूछे कि एसपी कितना होगा, तो फिर से मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बोलूंगा, दैट एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, में बढ़ाना घटाना मैं मल्टीप्लाई से दिखाऊंगा। 20% लॉस को हम क्या लिखते हैं, 80% बोलते हैं, 80% प्रॉफिट मत बोल देना बेटा, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। अगर आपने 20% लॉस को 80% प्रॉफिट बोल दिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता जिंदगी में। 20% लॉस का मतलब है सिंपली 80%। अगर आपने 20% लॉस को 80% प्रॉफिट बोल दिया, 80% प्रॉफिट का मतलब है 180%। ओके, तो ऐसी बेवकूफी मत करना। 20% लॉस का मतलब है 80%, बिकॉज एसपी इज नॉट इन परसेंटेज, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन 100 करेंगे। ओके, और यहां से एसपी इज इक्वल टू सीपी की वैल्यू पुट करेंगे इनटू 80 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल होकर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एसपी, हाउ मच। अब यहीं से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, यहां से लॉस के केस में फॉर्मूला है एसपी इज अ फंक्शन ऑफ इनटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट को एल से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वहां पर 100 प्लस जी था गेन के परसेंट के केस में, अपॉन। So this is only a formality I am doing for you because you know already you know the logic, okay? ठीक है, subjective exams में जरूर लिखेंगे हम इस तरीके से formulas को, bracket में बंद करेंगे ताकि जो भी evaluator हो वो देखे और हमें extra marks दे। और यहीं से formality के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल लेता हूँ, CP is equal to 100 into SP upon 100 minus L, सिर्फ formality के लिए ये लिख रहा हूँ, otherwise इसकी कोई भी requirement नहीं है। आपको एक ही चीज आनी चाहिए एंड दैट इज एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी। ओके, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की धजिया उड़ा दी, धजिया क्या उड़ाई वो भी मैं आपको रिवाइज कर लेता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर प्रॉफिट होगा तब होगा जब एसपी की वैल्यू ज्यादा हो, तो एसपी माइनस सीपी। फिर हमने क्या देखा, हमने कहा लॉस कब होगा जब सीपी की वैल्यू ज्यादा हो, तो सीपी माइनस एसपी। फिर हमने देखा कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट होता है, जिसका परसेंट निकालेंगे वो प्रॉफिट लिखना जरूरी है, वैल्यू अपॉन सीपी इनटू 100। इसी तरीके से अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं, वेरी गुड, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। और उसी तरीके से अगर मैं बोलूं एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, गेन के केस में 100 प्लस गेन अपॉन 100, और फिर से एसपी इज अ फंक्शन ऑफ और लॉस के केस में 100 माइनस एल अपॉन 100। बेसिकली आज की क्लास में हमने ये इंपॉर्टेंट 6 फॉर्मुलेज देखे, और इन 6 फॉर्मुलेज से आप प्रॉफिट एंड लॉस की धज्जियां उड़ा दोगे। कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं आपको, अब इन्हीं 6 फॉर्मुला से होगा, इन्हीं 6 लॉजिक से होगा। हाँ, बशर्त आपको लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। एसपी सीपी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान रखना कि आपसे अगर कहा जाएगा कि परचेज बॉट, तो आप समझ जाना कि खरीदने को बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, और अगर सेल बोल रहा होगा, ठीक है, तो ये समझ जाना कि वो बेचने वाला प्राइस है, वो मेरा सेलिंग प्राइस है। ओके, चलिए, तो इतना समझ में आ गया, तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट। क्या हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं? अच्छा, ओके, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मेरी हेल्प कीजिएगा कैलकुलेशंस में। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन लॉस 10% बाय सेलिंग अ बाइसाइकिल फॉर रुपीज 1530। बेटा गिवन लिखना बहुत जरूरी, देखो गिवन लिख रहा हूं मैं पहले आपके लिए। क्या आपको एक चीज और मालूम है कि मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को क्यों हमने एज अ टूल पढ़ा था, क्योंकि यूनिटरी मेथड हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, सभी को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, पहले आप मुझे देख लीजिए मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले आप मुझे देख लीजिए और फिर आप खुद से भी कीजिएगा बाद में जब आप रिवाइज करेंगे। सबसे पहले गीवन लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बच्चों से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि गीवन ही क्वेश्चन का जीवन है, ठीक है, गीवन ही क्वेश्चन का जीवन है क्योंकि एक अप्रोच देता है वो आपको, एक शुरुआत देता है, ठीक है। अच्छा, गीवन क्या दिया आपको, गीवन दिया आपको देखिए सेलिंग अ बाईसाइकिल, तो सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू 1530 और इतना बेच के उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 10%, ठीक है। व्हाट परसेंट शेल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज, इतना। अब वो कह रहा है कि अगर वो उसको इतने में बेचेगा 18 तो कितना उसको गेन होगा, तो सबसे पहले आपको एसपी और लॉस दिया है, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ, मैंने कहा ना अलग से यू डोंट नीड द फॉर्मूला फॉर सीपी, अब निकालना तो सीपी है पहले इनिशियली, क्योंकि आपको फिर बाद में दोबारा बेचोगे तो फिर देखना आपको कितना परसेंट गेन हो रहा है, और गेन गेन होने के लिए आपको सीपी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों की वजह से मैं आई कैन इजिली कैलकुलेट बट सीपी कैसे, मैं बोलूंगा एज वी नो चिल्ला चिल्ला के मैं बोलूंगा एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी। अच्छा, लॉस वाला कैसे, तो 100 - L/100 सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि 10% लॉस को मैं 90 लिखूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट करते हैं 1530 इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 - 10 90/100, ठीक है। अब यहाँ से सीपी निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1530 × 100/90, ठीक है। तो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से हाउ मेनी टाइम्स, 17। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 9 1 9 कितना बचा, 6, 9 7 16। अच्छा, तो ये सीपी की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, अच्छा ध्यान से देखना, सीपी की वैल्यू आ गई है मेरी 17 × 100 1700, और साफ पता चलता है कि 1700 का आर्टिकल या बाईसाइकिल अगर आप 1530 के में बेचोगे तो लॉस ही होगा यार आपको, उस साइकिल की कॉस्टिंग हमें समझ में आ गई। और अब क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन विच इज गिवन टू यू, कि अगर वो साइकिल को अब मैं 1819 में बेचूं तो मुझे कितने का गेन होगा। तो अगर अब मैं साइकिल नाउ अब जो एसपी है मेरा कितना है, 1819, तो आप खुद ही सोचो यहां पर, ओके ये आप खुद ही सोच लो कि यहां पर एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां पर अब आप खुद ही देख लो, एज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी सो देर विल बी प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, ओके सो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी कितना है 1819 माइनस सीपी कितना है 1700, तो ये कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया मुझे 119। सो सिंपल, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, व्हाट परसेंट शेल गेन बोल रहा है वो, प्रॉफिट तो आ गया, मुझे गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है। तो ये प्रॉफिट कैसा है समझ में आ गया, अच्छा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इंटू 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 119, सीपी वॉज हाउ मच 1700 × 100, ओके तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 7 जा, तो 7% का प्रॉफिट हुआ उसको, सो इजी सो सिंपल, ओके एंड व्हाट द लॉजिक वी हैव यूज्ड, जो हमने ऑलरेडी देखा सारा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा गिवन क्या क्या है, एसपी था और लॉस परसेंट दिया था हमने, अगेन वी हैव यूज द फॉर्मूला एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, वहां से सीपी कैलकुलेट किया और उस सीपी से फिर हमने देखा कि जो नया एसपी है उन दोनों को कंपेयर करा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखाना चाहता हूँ, ध्यान देखना है, इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है उस बाईसाइकिल की 1700, अच्छा सेलिंग प्राइस क्या क्या है, अलग अलग सेलिंग प्राइजेस हैं, 1530 में बेचोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, 1819 में बेचोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई, एज अ नोट लिखाऊंगा कि सीपी ऑफ एन आर्टिकल रिमेन्स फिक्स्ड, सीपी हम किसी का चेंज नहीं कर सकते। सपोज ये बॉटल है, ये बॉटल मैंने कितने की खरीदी, 100 रुपीज, सपोज 100 रुपीज क्या हो गया अब इस बॉटल का सीपी, क्या मैं उस 100 रुपीज को अब चेंज कर सकता हूँ, नहीं। हाँ, व्हाट आई कैन चेंज द सेलिंग प्राइस, किसी को 200 में बेच दिया, किसी को 250 में, किसी को 300 में, किसी को 400 में, किसी को 500 में, आई कैन चेंज द सेलिंग प्राइस बट आई कैन नॉट चेंज द सीपी। इसलिए कॉस्ट प्राइस आप किसी भी कंडीशन से निकालो, पहली कंडीशन से निकालो, दूसरी कंडीशन से निकालो, कॉस्ट प्राइस विल रिमेन सेम ओनली,
कॉस्ट प्राइस विल रिमेन द सेम। कभी कभी हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, दो कंडीशंस देता है हमें, दोनों कंडीशन से सीपी निकालते हैं, हमें पता है सीपी तो सेम ही होगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं और हमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एज अ नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ, याद रखना सीपी ऑफ एन आर्टिकल का मतलब है सीपी ऑफ एक आर्टिकल, एक आर्टिकल। ओके, सीपी ऑफ एन आर्टिकल का मतलब क्या है कि किसी भी एक आर्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल आर्टिकल, ओके, किसी भी एक आर्टिकल, किसी भी एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल की बात हो रहा हूं, उसकी सीपी क्या होगी, फिक्स होगी, उसको आप अलग अलग प्राइजेस में बेच सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, एज अ नोट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, एन आर्टिकल इज फिक्स्ड बट सेलिंग प्राइस कैन वेरी, सेलिंग प्राइस कैन वेरी का मतलब है सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस अगर कम होगा तो लॉस होगा। सो इट टोटली डिपेंड्स कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कम है। ओके, तो सीपी किसी भी एक आर्टिकल का फिक्स हो जाता है, और अगर कॉस्ट प्राइस फिक्स हो गया है तो फिर हम देखते हैं कि क्या केस है, प्रॉफिट वाला केस है तो सेलिंग प्राइस उससे ज्यादा आएगा, लॉस वाला केस होगा तो सेलिंग प्राइस सीपी से कम आएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब एक आदमी एक आर्टिकल को बेच रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, 20% प्रॉफिट में। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, देखा अच्छा सवाल है, फिर बोल रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो उसको 20% लेस में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर ₹37 लेस और 37 लेस में बेचता, ही वुड हैव गेन 25%। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, और क्योंकि ये फाइनली आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है एंड देर इज लॉट्स ऑफ परसेंटेज इन्वॉल्व, तो यहाँ पर आप पहले कुछ ना कुछ सीपी लेंगे। ओके, इट्स बेटर कि आप पहले कुछ ना कुछ, क्योंकि बेटा देखिए आपको किसके साथ कैलकुलेशंस करनी है, आपको कैलकुलेशंस किस किस के साथ करनी है, आपको कैलकुलेशंस करनी है सीपी के साथ, आपको कैलकुलेशन करनी है एसपी के साथ, ना आपके पास सीपी ना आपके पास एसपी, तो कैसे करोगे। सो इट्स बेटर, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, जो पहली वाली कंडीशन, लेट्स अ मैन सेल्स एन आर्टिकल है ना एट अ प्रॉफिट ऑफ, सो लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी एक्स, और ये निकालना भी हमें लास्ट में, अगर आप देखोगे लास्ट में व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, हाँ आपको सीपी ही निकालना है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे यू हैव टू कैलकुलेट द सीपी ऑल्सो, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, ये तो निकालना है, तो आपने उसको एक्स ले लिया। अब क्या दिया आपको, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितना दिया है प्रॉफिट परसेंट, 20% दिया है। आगे वाली कंडीशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हमें सीपी दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा एसपी इज अ फंक्शन ऑफ 20% प्रॉफिट का मतलब है 120/100। नाउ आई विल नॉट राइट द फॉर्मूला बिकॉज वी नो द लॉजिक, तो यहां पर एसपी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन सीपी कितना है, एक्स है, तो कितना जाएगा 120x/100 या 1.2x, या इसको एज इट इज रहने दो, इतना सीपी, मतलब दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये अभी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमने क्या देखा कि हमारी सीपी आर्टिकल की एक्स थी और हमें प्रॉफिट हो रहा था 20% का, तो हमारा एसपी कितना आ गया 120x/100। अब क्या बोल रहा है दूसरी कंडीशन, अब हम इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, नाउ वी हैव एसपी, नाउ वी हैव सीपी, नाउ वी कैन डू ऑल कैलकुलेशंस विद एसपी एंड सीपी, पहले नहीं कर पाते, ये भी समझ में आना चाहिए कि हमें पहले कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट वी हैव टू टेक लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी एक्स। अब मुझसे कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो उसको 20% लेस में खरीदता, मतलब सीपी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सीपी की बात कर रहा है, इसका मतलब नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, अगर न्यू सीपी यहां पर कितना जाता, अगर बाय द वे न्यू सीपी कितना होता, 20% लेस होता, पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज यूज करेंगे, ध्यान से सुनना, न्यू सीपी कितना हो जाएगा एक्स से 20% लेस, मतलब एक्स इंटू 80/100, तो नया सीपी कितना हो जाता अगर 80x/100, पहले से कम है ये, पहला एक्स था सीपी, ये ज्यादा था, अब हमने सीपी को 20% कम कर लिया, 20% कम का मतलब सीधा 80% निकाल लो उसका, दैट लॉजिक वी नो, एंड सोल्ड इट फॉर ₹37 लेस, और बेचते कितने में, 37 लेस, पहले कितना था, पहले 120x/100 था, तो इससे कितने लेस में बेचते, 37, तो -37 बेचते अगर, भाई
now only we can do the calculations, such calculations, because now we have the value of SP, now we have the value of CP. तो हमसे कहा था कि पहले CP को एक काम करो, अगर आपने CP को 20% कम कर दिया, तो हमने कर दिया, CP हमारा X था, उसमें 20% कम का मतलब 80/100 कर दिया। और अगर जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 37 कम हो जाए, तो पहले सेलिंग प्राइस ये था तो इससे 37 कम कर दिया, सो ही वुड हैव गेन 25% प्रॉफिट। और इस केस में जो ये नया केस है जिसमें CP भी है आपके पास, SP भी है, इसमें उसको जो गेन होता है वो कितना होता है, गेन कितना होता, 25% गेन होता उसे। तो अब यहां पर अगेन आई हैव CP, SP एंड गेन परसेंट, कैन आई यूज द फॉर्मूला SP इज अ फंक्शन ऑफ CP? चलो फिर से यूज कर लेता हूं, लेट मी यूज द फॉर्मूला SP इज अ फंक्शन ऑफ CP, 25% गेन का मतलब है 125/100। SP की वैल्यू कितनी है यहां पर, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ SP, 120x/100 माइनस 37 इज इक्वल टू, ठीक है, 120x/100 माइनस 37 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP, 80x/100 इंटू 125/100। कैन यू कैलकुलेट x फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट्स इट, इतना सिंपल सवाल है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ओके, बस नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहां से इफ यू विल सिंप्लीफाई इट, इसको चाहो तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी 25 ओके ओके, इट्स गोइंग टू बी 4 25 20, ओके 20 कैंसिल, तो यहां पर कितना बच गया सिर्फ x, सो वी हैव फ्रॉम हियर वी हैव 120x/100 माइनस 37 इज इक्वल टू x, ओके, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इट्स गोइंग टू बी 120x/100 माइनस x इज इक्वल टू 37, यहां से द वैल्यू इज गोइंग टू बी 100 इज गोइंग टू बी द LCM, इट्स गोइंग टू बी 120x/100x इज इक्वल टू 37, यहां पर कितना जाएगा, 20x इज इक्वल टू 37 इंटू 100 एंड x इज इक्वल टू 37 इंटू 100 अपॉन 20, 25 टाइम्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हाँ 185 रुपीज, एंड व्हाट वाज x, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ओके CP था, देयरफॉर CP ऑफ द आर्टिकल इज 185 रुपीज, दैट्स इट, ओके, सारा कॉन्सेप्ट किसका है, वही जो हमने किया, SP इज अ फंक्शन ऑफ CP, गिवन लिखा, हाँ कुछ चीजें आपको लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, लेट द CP बी x के बाद what was गिवन टू यू, वो आपने लिखा, ओके what was गिवन टू यू, प्रॉफिट percent was गिवन टू यू, तो आपने फिर से यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर लेता हूं, क्या यूज किया आपने, SP इज अ फंक्शन ऑफ CP, वहां से आपका एक SP की वैल्यू आई, फिर उसने आपसे कहा कि CP में कुछ चेंजेस करो, उसको 20% कम करो, तो हमने कर लिया, फिर उसने कहा कि SP को भी पहले वाले SP से 37 कम करो, कह रहा है वो क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि अगर वो ऐसा करता तो ऐसा होता, क्या होता, गेन होता 25%, तो हमने ऐसा किया और गेन 25% लिखा, फिर से हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया SP इज अ फंक्शन ऑफ CP, दैट्स इट। आपको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत टफ है, देखो सभी कैंसिल हो गए आपके सामने, इट सीम्स कि क्वेश्चन बहुत टफ होगा, बट आपके सामने है आंसर, ओके चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल मैंने जानबूझ के आपको दिया है, क्योंकि इस सवाल में आप देखोगे कहीं ना कहीं ना SP दिया है ना CP दिया है, सिर्फ कुछ क्वांटिटीज दी हैं, यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो एज अ नोट मैं आपको लिखाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, ओके इन योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, ओके ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां देखो, यहां पर दिया क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज सेम एज द CP ऑफ 10 एप्पल्स, क्या यहां पर सेलिंग प्राइस दिया है, नहीं, वो सिर्फ आपको एक कंडीशन दे रहा है, क्या दे रहा है, देखिए व्हाट इज गिवन टू यू, ध्यान से देखना, आपको क्या दिया, आपको दिया है दैट SP ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 8 एप्पल्स, यही तो दिया है बस, और तो कुछ दिया नहीं, और हमसे बोल रहा है लॉस परसेंट निकालो, हमसे बोल रहा है लॉस परसेंट निकालो, और लॉस परसेंट हमें पता है, हमें लॉस मालूम होना चाहिए, अपॉन CP मालूम होना चाहिए, तब इनटू 100 करेंगे, देन ओनली विल गेट द आंसर, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, ना हमें लॉस मालूम है ना CP मालूम, हम कैसे निकालेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच,
अब ध्यान से देखना इस चीज को भी समझना, और परसेंटेज में ये बात मैंने बहुत बार करी भी है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि परसेंटेज डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यूज, परसेंटेज कभी भी वैल्यूज में डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज डिपेंड करता है चेंज में। जैसे बाय द वे मेरे पास 2 रुपीज है, 2 से 4 हो रहे हैं, और मेरे पास 10 रुपीज है, 10 से 20 हो रहे हैं, दोनों केसेस में अगर आप परसेंटेज निकालोगे इंक्रीजिंग परसेंटेज सेम आएगा, क्योंकि चेंज देखो सेम है, डबल हो रहा है पैसा, 2 से 4, 10 से 20, यू विल गेट द सेम परसेंटेज, भले वैल्यूज आर डिफरेंट, भले वैल्यूज काफी डिफरेंट है, ठीक है, भले वैल्यूज आर डिफरेंट, बट द परसेंटेज इज गोइंग टू बी सेम हियर इन बोथ द केसेस। ओके, तो इसका मतलब जब वो किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता परसेंटेज, तो आई कैन टेक एनी वैल्यू। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर एसपी ऑफ 10 एप्पल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सीपी ऑफ 8 एप्पल्स में। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट, ध्यान से देखना, लेट सीपी ऑफ 1 एप्पल ले लेता हूं मैं, लेट सीपी ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 1 रुपीज ले लिया सपोज मैंने। आप बोलोगे सर इतना सस्ता सीप कहाँ मिलता है एप्पल, अरे हम तो सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, और अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए वी हैव टेकन दिस सीपी ऑफ 1 एप्पल। अगर सीपी ऑफ 1 एप्पल आपने 1 रुपीज ले लिया, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द सीपी ऑफ 8 एप्पल्स, 8 एप्पल्स का सीपी क्या हो जाएगा, 8 रुपीज। और क्वेश्चन में क्या दिया है, जो जो सीपी है 8 एप्पल्स का, वही एसपी हो एसपी है 10 एप्पल्स का, तो यहां से एसपी ऑफ 10 एप्पल्स क्या आ गया, एसपी ऑफ 10 एप्पल्स क्या आ गया यहां पर, 8 रुपीज। एसपी ऑफ 10 एप्पल्स कितना आ गया, 8 रुपीज। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि एसपी ऑफ 10 एप्पल्स किसके बराबर है, सीपी ऑफ 8 एप्पल्स के बराबर, और सीपी ऑफ 8 एप्पल्स 8 आ गया है, तो एसपी ऑफ 10 एप्पल्स भी 8 रुपीज आ गया। अब बच्चों को लगता है कि वी हैव गॉट सीपी एंड एसपी, और वो कैलकुलेट करते हैं एंड दे गेट द रॉन्ग आंसर। व्हाई, बिकॉज बेटा सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हियर द क्वांटिटी इज डिफरेंट। वेन एवर द सीपी ऑफ 8 एप्पल्स इज गिवन टू यू एंड द एसपी ऑफ 10 एप्पल्स, यू कैनॉट कंसिडर इट एसपी एंड सीपी, बिकॉज हियर द क्वांटिटीज आर डिफरेंट। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द क्वांटिटीज सेम। अगर यहाँ पर 10 है, तो कोशिश करो कि आपके पास एसपी ऑफ 10 एप्पल्स है, तो सीपी ऑफ 10 एप्पल्स हो, या अगर आपके पास सीपी ऑफ 10 एप्पल्स हो, तो एसपी भी आपके पास, सॉरी सीपी ऑफ 8 एप्पल्स हो, तो एसपी भी 8 एप्पल्स का ही हो, तभी आप उसको एसपी सीपी मान सकते हैं। और एक बात और बताओ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सीपी ऑफ 8 एप्पल्स अगर आपको दिया है और एसपी ऑफ 10 एप्पल्स दिया है, तो क्या मैं इस एसपी ऑफ 8 एप्पल्स कर दूं या मैं सीपी ऑफ 10 एप्पल्स निकालूं, क्या इजी रहेगा मेरे लिए, सीपी ऑफ 10 एप्पल्स, क्योंकि सीपी ऑफ 1 एप्पल 1 रुपीज आपके पास, तो यहां से क्या मैं निकाल सकता हूँ, व्हाट इज गोइंग टू बी द सीपी ऑफ 10 एप्पल्स कितना आएगा। अरे यार सीपी ऑफ 1 एप्पल 1 है, तो 10 का 10। अगर मैं यहां पर एसपी ऑफ 8 निकालने की कोशिश करता, तो चीजें फ्रैक्शंस में आती फिर यार, मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता। तो देख लो, अब आप देखो व्हाट यू हैव डन, यू हैव मेड द क्वांटिटी सेम, 10 10। नाउ यू कैन से दैट दिस इज एसपी एंड दिस इज सीपी। देखो 1 1 रुपी लिया, तो कितना ईजी हो गया मेरे लिए। अब साफ आपको नजर आ रहा है कि सीपी की वैल्यू ज्यादा है या एसपी की वैल्यू ज्यादा है, सीपी की वैल्यू ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा होगा लॉस हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो आपसे बोला है फाइंड द लॉस परसेंट भी बोला है उसने स्पेसिफिकली किया है, मैं लिख लेता हूँ, एज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कितना, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 10 - 8 इज इक्वल टू कितने का लॉस हो गया, 2 रुपीज का लॉस हो गया, और लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, लॉस अपॉन सीपी, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 2 अपॉन 10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 20% लॉस हो गया। कितना इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, अदरवाइज बच्चा शुरू भी नहीं कर पाता, उसको लगता है कि पता नहीं क्या अप्रोच होगी, नथिंग इज गिवन टू यू, ना एसपी दिया है ना सीपी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक तो आपने क्या समझा, दैट यू हैव टू मेक द क्वांटिटी सेम, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है कि आपको क्वांटिटी सेम करनी है। 10 एप्पल्स हैं और 8 एप्पल्स हैं, या तो आप दोनों को 10 10 बना दें, या तो 8 8 बना दें, इट्स अप टू यू। ओके, तो हमने क्या करा, बट वी हैव टू, बिकॉज देखिए इस क्वेश्चन में आप एसपी ऑफ 1 एप्पल भी 1 रुपीज लेंगे, तब भी आंसर आएगा आपका, क्योंकि दोनों आपस में डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या करा, एसपी ऑफ सीपी ऑफ 1 एप्पल को मैंने 1 रुपीज ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गिवन में है आपको, ये जो पहली लाइन गिवन में है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि एसपी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सीपी, एसपी किस पे डिपेंडेंट है, सीपी में, इसलिए मैंने सीपी ऑफ 1 एप्पल कितना ले लिया, 1 रुपीज, तो इजली फिर मेरा एसपी आ जाएगा। ओके, अच्छा चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है। ओके, एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आप प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन से एक बहुत बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ।
सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. अ मैन सोल्ड टू काउस फॉर रुपीज 15,640 ईच. देर आर टू काउस, ध्यान से देखना. मैं ऐसे करता हूं, काउ वन और यहां पर लिखता हूं काउ टू. ध्यान से समझना इसको, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी निकल के आएंगे. अ मैन सोल्ड टू काउस फॉर रुपीज 1560. दोनों काउस को उसने बेचा, सेम प्राइस में बेचा. ईच का मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर क्या है, एसपी ऑफ फर्स्ट काउ इज नथिंग बट 15640 रुपीज. वट इज द एसपी ऑफ सेकेंड काउ? सेम 15640 रुपीज. दोनों काउस को उसने सेम प्राइस में बेचा है. अच्छा, ऑन वन ही गेन्स 15%. सपोज इन द फर्स्ट वन ही गेन हाउ मच, 15%. बट दूसरे वाले में ही लूजेस कितना, 15%. तो लॉस कितना हो गया, 15% को. तो दोनों कंडीशन से वी विल यूज द फॉर्मुला एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी. दोनों से हम सीपी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है. ओके, दिस आर टू डिफरेंट काउस. ये मत सोचना कि सीपी विल बी सेम सर. दिस आर टू डिफरेंट आर्टिकल्स, टू डिफरेंट काउस. ओके, इनके सीपी अलग अलग होंगे. इसमें एसपी क्या है, ज्यादा होगा इसलिए इसको प्रॉफिट हो रहा है. वहां पर कहीं ना कहीं एसपी की वैल्यू, यहाँ पर सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा इसलिए लॉस हो रहा है. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ करते जाओ. फिर से यहाँ पर क्या होगा, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी. 15% प्रॉफिट का मतलब है 115/100. ओके, तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करके यहाँ पर थोड़ा जगह बच जाएगी. ओके, ठीक है. ओके, सो यहाँ पर एसपी की वैल्यू कितनी है, 15640 इज इक्वल टू सीपी 1 लिख लेता हूँ मैं, 115/100. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी 1 हियर? सीपी 1 इज गोइंग टू बी 15640 इंटू 100/115. सिंप्लीफाई करो इसे, ये कितना आएगा, 5 2 10, 5 3 5 23 से जरूर कैंसिल होगा. देखो डिवाइड करो 23, 15640. 23 हाउ मेनी टाइम्स, 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 6 3 18, कैरी 1 138. ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर? हाँ, 18. ओके, यहां पर क्या आ गया, 184. 23 हाउ मेनी टाइम्स, 8 times. तो कितना आ गया, 680 आ गया. ओके, तो यहां पर इसको मैं रब करके इसको मैं ऐसे करता हूँ, 23 हाउ मेनी टाइम्स, 680 times. ओके, तो यहां पर वी विल गेट द सीपी 1, दैट इज 680 into 20, कितना आ गया, 136,00. ओके, तो साफ नजर आ रहा है यहां पर कि कॉस्ट प्राइस थी 13,600 ऑफ दैट काउ. पहली वाली गाय कितने की थी, 13,600 की खरीदी होगी. उसने बेची कितने में, 15,640 में. 13,600 की काउ को उसने 15,640 में सेल किया, इसलिए उसको प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट हुआ, साफ नजर आ रहा है. सस्ती गाय थी, महंगे में बेचा. यहां देख लेते हैं यहां क्या केस है. ओके, लेट्स सी कि यहां पर क्या केस होने वाला है. यहां पर फिर से मैं कहूंगा, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी. 15% लॉस का मतलब क्या है, 85/100. ठीक है, इसको डब्बे में बंद भी कर देता हूं यहां पर भी. और फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं इस पे. और यहां पर एसपी कितना है, 15640 इज इक्वल टू, इसको सीपी 2 लिख लेता हूं, इंटू 85 अपॉन 100. और यहां से सीपी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी 2 इज इक्वल टू 15640 इंटू 100/85. ठीक है, फिर से 5 से देख लेते हैं. 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 5 एंड 5 7 times, 5 20 times, 17 कट रहा है इससे. देखो हाउ मेनी टाइम्स, हाँ 920 पक्का. तो ये इससे कट रहा है 920 times. तो यहां पर सीपी 2 कितना आ गया, 18,400 रुपीज. तो जो दूसरी वाली काउ है ना, वो महंगी काउ है, वो 18,400 की काउ थी और उसको कितने में बेचा उसने,
15,640 में, तभी तो उसमें लॉस हो गया उसको। अब मुझसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखना, वो मुझसे पूछ रहा है, देखो होल ट्रांजेक्शन में, होल का मतलब है दोनों काउ को बेचने में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब दोनों काउ को बेचने में हम क्या करेंगे, दोनों काउ का एसपी और दोनों काउ का सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही तो चाहिए। तो अगले पेज में मैं क्या लिखूंगा, ओवरऑल, ओवरऑल पहले हम निकालते हैं एसपी, कितना जाएगा एसपी वन प्लस एसपी टू, ये तो सेम ही दिया है मुझे, कितना दिया है ओवरऑल एसपी, कितना दिया है मुझे, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 15640, सो 15640 प्लस 15640 कितना जाएगा है? बच्चे बोल 08 31280 रुपीज, 31,280 इज द टोटल एसपी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल सीपी, सीपी इज इक्वल टू सीपी वन प्लस सीपी टू, 13600 प्लस 18, सो 13600 और 18400, हाउ मच, 32,000 रुपीज। नाउ यू टेल मी दैट सीपी इज हायर और एसपी इज हायर, ओवरऑल, ओवरऑल सीपी इज हायर बेटा, ओवरऑल देखने में आपको पता चला कि सीपी इज हायर। ओके, कभी कभी क्वेश्चन देखकर क्या लगता है ना, देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाया, बच्चे क्या कहते हैं मुझसे, बच्चे कहते हैं कि सर सेम प्राइस में बेच रहा है और एक में 15% का प्रॉफिट है और एक में 15% का उसको लॉस हो रहा है, तो सर मुझे लगता है कि उसको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो बच्चों को क्या लगता है, इनिशियली बच्चों को लगता है कि अगर हम लोग सेम प्राइस में बेच रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब सर फिर दुकानदार को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, लेकिन वो एक गलत मिथ है। ठीक है, यहाँ पर एज अ नोट में लिखाऊंगा, हमेशा याद रखना, जब भी वेन एवर द सेलिंग प्राइस ऑफ टू डिफरेंट आर्टिकल्स इज गिवन सेम, यहाँ पर क्या था कि दो गाय का सेलिंग प्राइस सेम था, सेलिंग प्राइस ऑफ टू काउज वर सेम एंड द रेट ऑफ गेन परसेंट और लॉस परसेंट वॉज ऑल्सो सेम, ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, हमेशा, ऑलवेज देर विल बी लॉस, एंड देर इज अ शॉर्टकट फॉर्मुला ऑल्सो फॉर दैट, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, डोंट वरी, वो भी हम देखेंगे, देर इज अ शॉर्टकट फॉर्मुला भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर सीपी देता सेम, तो अगर बोलता सीपी वन सीपी टू सेम है, उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता, क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सीपी है, सपोज आप खुद ही देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी है, एक में मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 120, एक में 20% का लॉस हो गया कितना हो गया 80, तो एक मेरी एसपी 120 आई है, एक मेरी एसपी 80 आई है, इफ आई विल ऐड 200, इफ आई विल ऐड बोथ द सीपीज 100 100, अगेन 200, सो 200 ओवरऑल एसपी एंड ओवरऑल सीपी इज अगेन सेम, सो वेन एवर एसपी एंड सीपी सेम देर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। So whenever the selling price of two article is same, whenever the selling price of two article is same and the rate of profit percent and loss percent is also same, in that case there will be always loss as we have seen in this case. But if the cost price of two articles, agar cost price of two articles ka same aur profit percent or loss percent bhi same ho raha hai usme, to us case mein hamesha there will be no loss, no profit. Do remember this point, as a note lik bhi lenge. अब इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। बट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ सीपी एज सीपी इज हायर देन एसपी, सो देयर विल बी लॉस, ओवरऑल लॉस कितना जाएगा, सीपी माइनस एसपी 32,000 माइनस 31280 कितना आ गया 720 रुपीज, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितना है 720 अपॉन 32,000 into 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 32,000. कितना आ रहा है 72/32, ओके okay? अच्छा, इसको अगर आप फोर से करोगे तो फोर हाउ मेनी टाइम्स, ओके इसको आप, अच्छे पहले हाफ कर लीजिए, इट्स गोइंग टू बी हाउ मच 36, इट्स गोइंग टू बी 16, फिर हाफ कर लीजिए इट्स गोइंग टू, अच्छा 9 से कर लीजिए, 9 नहीं सॉरी 4 से कर लीजिए, 4 9 जा 4, सो 9/4% आ रहा है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 4 2 जा 8 2 1/4%,
टू 1/4%, ओके, इट्स नॉट 2%, बट इट्स टू 1/4%। अच्छा, आप चाहो तो उसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कैसे, एज अ नोट लिखकर। नोट क्या लिखा आपने, नोट में लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है दो आर्टिकल्स की, किसकी बात हो रही है, दो आर्टिकल्स की। अगर देखिए दो आर्टिकल्स में अगर एस पी क्या है, एस पी सेम है और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ये भी अगर सेम है तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। एंड दैट लॉस परसेंट इज गिवन बाई आर स्क्वायर बाई 100, इट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दिस आर सर, व्हाट इज दिस आर, आर इज नथिंग बट रेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज दैट इज सेम ना, रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस, बिकॉज इट इज सेम। लेट्स कैलकुलेट, वी ऑलरेडी नो द आंसर। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, व्हाट इज द रेट, लॉस परसेंट और गेन परसेंट, व्हाट वाज देयर इन द क्वेश्चन, हाउ मच, 15, सो इट्स गोइंग टू बी 15 इंटू 15 अपॉन 100, 15 इंटू 15 इज हाउ मच, 225 बाई 100 कितना आ गया, 2.25, इट्स नथिंग बट 2 1/4 ओनली, इतना ही परसेंट आ गया। डायरेक्टली वी हैव गॉट द आंसर, वी हैव नॉट डन द कैलकुलेशंस एंड ऑल, डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली वी हैव गॉट द आंसर बिकॉज वी नो द लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, हमने पूरा लॉजिक देखा, हमने सब कुछ समझा, देन डायरेक्टली वी कैन टेल द रिजल्ट, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर द एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर गिवन सेम एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज ऑल्सो सेम, इन दैट केस ऑलवेज देर विल बी लॉस, एंड दैट लॉस परसेंट डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट बाई दिस फॉर्मुला, ओके, बट डोंट यूज दिस शॉर्टकट फॉर्मुला फॉर द सब्जेक्टिव एग्जाम्स, ओके, सो यू विल नॉट गेट मार्क्स देर, If it will be of 10 marks and you will use this formula, I don't think that you will get full marks. Okay? हाँ, लेकिन अगर आपका कोई objective paper है, when you have 4 options, तो directly you can calculate the answer. Okay? Plus, one last thing, एक last thing आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर दो articles दिए हैं और दो articles का CP same है, अगर CP same है और profit percent and loss percent क्या है वो भी same दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट उसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है उसमें सीपी विल बी इक्वल टू एसपी, ओवरऑल सीपी और एसपी सेम आएगा, ओवरऑल सीपी एंड एसपी सेम आएगा। एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल जैसे अगर बाय द वे एग्जांपल में सीपी दिया है, सीपी वन कितना दिया है 100 और सीपी टू कितना दिया है ये भी 100 दिया है। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, प्रॉफिट हो रहा है सपोज 20% का, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है वो भी 20% का, तो यहाँ पर एसपी कितना जाएगा, सीधा निकाल सकता हूँ मैं 120, यहाँ पर एसपी कितना जाएगा 80, अगर मैं टोटल ओवरऑल निकालूंगा, ओवरऑल एसपी कितना जाएगा 120 प्लस 80 कितना 200, ओवरऑल सीपी कितना जाएगा 100 प्लस 100 कितना 200, दोनों सेम आ गया, एसपी सीपी सेम। जब एसपी सीपी सेम है सो क्या होगा उस केस में, उस केस में देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो याद रखना, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस सेम देगा दो आर्टिकल्स का, और जो क्वेश्चन हमने किया उस क्वेश्चन में अ मैन सोल्ड लिखा है, सोल्ड, परचेज लिखा होता तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता, सोल्ड लिखा है, सोल्ड का मतलब है सेलिंग प्राइस वॉज गिवन सेम टू यू, ओके। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, इसका एक एक्सटेंशन है डिस्काउंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी डिफेंस एग्जाम, दिस आर द नंबर्स यू कैन कॉल इन दिस गिवन नंबर्स। ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को। @DOADDN इज अ टेलीग्राम चैनल, आप हमसे जरूर जुड़े, यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट PDFs इन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ओनली। फेसबुक इंस्टाग्राम में हमें जरूर फॉलो करें, प्लस वेबसाइट हमारी जरूर विजिट करें defenseofficersacademy.in। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।